हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सोन भंडार दिखाने ले चलता हूँ। तो ये नेचर सफारी के सामने ही आपको सोन भंडार देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये राजगीर का सोन भंडार है। तो ये देखिए मेरे पीछे आप जो गुम्फा देख रहे हैं, ये सोन भंडार गुम्फा कहते हैं। मगध साम्राज्य के सम्राट यानी मौर्य शासक बिम्बिसार का बेशकीमती खजाना यहाँ छुपा है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। अंग्रेजों ने इस गुम्फा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें असफल रहे थे। आज भी इस गुम्फा पर उस गोले का निशान देखा जा सकता है। इस गुम्फा के बारे में कहा जाता है कि सोने का सुरक्षित रखने के लिए दो बड़े कमरे बनवाए गए थे। पहले कमरे में सिपाहियों के रहने की व्यवस्था थी और दूसरे कमरे में खजाना छुपा था। इस गुम्फा के अंदर घुसते ही 10.4 मीटर लंबा और 5.2 मीटर चौड़ा कमरा है। दूसरे कमरे को पत्थर की एक बड़ी चट्टान से ढक दिया गया है, जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया है। इस चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। लोग को कहना है कि ये लेख खजाने को कमरे को खोलने का राज है। इस गुम्फाओं को तीसरी और चौथी शताब्दी में चट्टानों को काटकर बनवाई गई है। ये आप देख रहे हैं संकलिपि, जो आज तक पढ़ा नहीं गया है। इस गुम्फा को तीसरी और चौथी शताब्दी में चट्टानों को काटकर बनाई गई है। शोधकर्ताओं का मत है कि ये सोन भंडार महाभारत कालीन मगध सम्राट जरासंघ का है। राजगीर में जरासंघ का अखाड़ा भी मौजूद है। दूसरी बनी गुम्फा में 6 जैन धर्म तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ जैन धर्म के अनुयायी भी रहा करते थे। राजगीर के वैभवगिरी पहाड़ियों तलहटी में बनी इस गुम्फा का रहस्य बनकर रह गया है। इतिहासकारों के बीच में खजाने को लेकर अब भी शोध जारी है। ये आप देख रहे हैं सिक्स जैन धर्मों का तीर्थंकर का मूर्तियाँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट। आप जब इस चैनल में नया आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।